बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर आया हूँ और हमजा भाई मेरे साथ हैं, उनके कुछ आगे दोस्त हैं, तो उनका शूट करना था। गांव आए, गांव का मुझे नाम तो नहीं आता, मैं भाई से पूछ कर आपको भी बताता हूँ। तो पीछे ये सरसों का ना पौधे लगे थे, मैं दूर से आया हूँ इधर चल कर, इधर से व्लॉग शुरू करूँगा। तो ये बड़े कमाल के लग रहे हैं और साथ ही मोटरवे और मुझे गाँव का नाम तो नहीं आता। दूर दूर तक फसलें ही फसलें, बाकी कुछ भी नहीं उधर। सरसों का पौधा आपने चेक कर लिया, तो वो भाई मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ही आए हैं, तो इन्होंने शूट करना है इधर बस। तो मैं भी साथ आया था हमजा भाई के, तो शूट करना तो गड़ जाना, पर इधर के जो माहौल है ना काफ़ी सुकून दे। साथ बस मोटर पे उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। गांव में आए हैं तो गांव वाले शूट करेंगे ना। इस जगह शूट कर लिया तो बाहर जा रहे हैं। ये एक हेली थी। लोग पीछे शूट कर रहे हैं, तो मैंने देखा ट्यूबवेल लगा, पर जब करीब आया हूँ ना ट्यूबवेल तो नहीं आया था। वो जो मोटर होती है ना वो गैप है इधर से, बाकी वो जो उसकी चार दीवारी होती है ना जिसमें पानी जमा होता है, तो वो है। बाकी ये कुआं काफ़ी देर बाद व्लॉग आगे शुरू हो रहा है। जब मैं गांव गया था ना उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं वो आगे बना रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल सही करवाने। सही करवाने से पहले उसका ना कुछ सामान लेना, वो लेना, और उसके बाद उसे पहले तो सर्विस करवाते हैं। तो चलते हैं। और आज की गर्मी 13वां रोज़ा, पर जो पिछले रोज़े गए हैं ना 12, मैं कहता हूँ सुकून के रोज़े, तो आज 13वां रोज़ा ना सब रोज़ों की कसर पूरी कर रहा है। मास्क इसके लिए लगा कर बात कर रहा हूँ कि आप बाहर जा रहे हैं ना तो पुलिस वाले रोक रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। और मस्जिद में भी काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐलान हो रहा है कि मास्क लगा कर रखो, गुड़ियाँ नहीं उड़ानी और हवाई फायरिंग नहीं करनी, आतिशबाजी। तो अब चलते हैं, सर्विस पहले करवाएंगे। हाइड्रेशन होकर और रेस देते हैं तो व्हीलिंग उठाती है ना, मेरी मोटरसाइकिल वैसे व्हीलिंग उठा देती है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ख़राब हो गई। तो पहले सर्विस फिर उसके बाद। ये 3 नंबर स्टॉप पर आए हैं, होलसेल की मार्केट है। तो इधर से मोटरसाइकिल की सीट लेनी है। मैं लेने तो लोहे की आया हूँ, पर लेकर प्लास्टिक की जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल का टायर को पीछे से उतार कर ले गए। नहीं नहीं, मैं ब्रेक शू भी डलवाने थे रस्से में, दुकान है ब्रेक शू डलवाने, सीट मैंने ले लिया। तो एक तो वो बता रहे थे रेट 1250, तो फिर उन्हें वो मिली नहीं, तो उन्होंने कहा जेन्युइन पड़ी है। मैंने कहा जेन्युइन ही दिखाओ, मैंने तो आपको कहा अच्छी वाली दिखाओ,
तो उन्होंने 1700 की दी है सीट, वो अभी अंदर पड़ी है बॉक्स में पैक, वो मैं अभी आपको चेक कराऊंगा। पर अभी मैं ब्रेक शू अगले पिछले डलवाने में उसे अब घर ले जाऊंगा, फिर मैकेनिक से वो जब ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवाना ना तब उधर ले जाऊंगा, तो वो खुद ही डाल देंगे। पिछले टायर के डालने पर वो अंकल कह रहे हैं कि ये वाली जगह ना ख़राब है इधर से, तो वो जाकर खरादिये से सही करा रहा हो, खुला तो है टायर, तो ये पास ही खरादिये, मैंने मुजम्मिल को बुला लिया, पैदल ज़रूर जाना, चला चले। लाइट ने बड़ा तंग किया, दुकान पर आया वो कह रहे हैं लाइट गई है, नहीं हो सकता खरादिये का काम लाइट के बगैर तो नहीं होगा। अब 3 नंबर स्टाफ वापिस चलते हैं, ब्रेक शूट डलवाने के बाद मैं घर आ गया था अफ्तारी की, तो उसके बाद आपको मैं नहीं करवाया था, ये है जेनमैन होंडा वालों का, तो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। होंडा वालों के जन्म है ये क्या है फारिया? ये मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है? टेंशन बस इस चीज की थी, मैं चाह रहा था कि ये लोहे में आए ये, पर ये प्लास्टिक में मिला उन्होंने। उन्होंने कहा जो नया मॉडल आ रहा है ना उसको प्लास्टिक के लग रहे हैं, लोहे वाले ना जंग लगकर खराब हो जाती है सी, तो प्लास्टिक के लगेगा। अगर आप नीचे वाली सारी कंप्लीट बॉडी चेंज करवाएंगे तो लोहे का लगवा ले। फिर मैंने कहा जरूर पैसे दया करने, तो हम प्लास्टिक के लगवा लेते हैं, तो प्लास्टिक वाली मैं सीट ले आया। तो वीडियो एंड करते हैं, पर सारा दिन ना बस यही काम हुआ, मैंने कहा था ट्यूनिंग ऑयल चेंज सब कुछ करा लेना, और दूसरी मोटरसाइकिल का भी काम कराने वाला है, एक का नहीं हुआ तो दूसरी का मैं क्या करवाऊँगा, बुरी हालत हुई थी। कल वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा, मैं कंप्लीट मोटरसाइकिल के बारे में व्लॉग बनाऊंगा। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।